दोस्तों हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फोटोज वगैरह खींचते रहते हैं एंड फोटोज वगैरह का शौक डेफिनेटली सब लोग रखते ही हैं, लेकिन कुछ फोटोज ऐसी होती हैं जिनकी बैक स्टोरी इतनी ज्यादा क्रीपी होती है, इतनी ज्यादा स्केरी होती है कि वो जस्ट आपको सिर्फ नाइटमेयर्स ही देंगी। एंड इस वाली वीडियो के अंदर भी जो पिक्चर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो किसी नाइटमेयर फ्यूल से कम नहीं है, तो मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि एंटार्क्टिका, जो कि अर्थ की सबसे कोल्डेस्ट जगह है, वहां पर साइंटिस्ट्स को एक ह्यूमन बॉडी मिली थी जिसकी रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी लगभग 100 साल पुरानी है। एंड रिसर्चर्स ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि कैसे 100 साल पहले कोई एंटार्क्टिका में जाकर आया था। बाद में जब उन्होंने एनालाइज करा तो उन्हें और ज्यादा पता चला कि ये बॉडी 100 साल नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा पुरानी है, जो कि जॉन टॉरिंगटन नाम के एक सेलर की है। एंड जॉन अपनी टीम के साथ 1845 में एक एक्सपेडिशन के लिए निकला था एंड वो अकेला नहीं था, उसके साथ में 130 पीपल और गए हुए थे। एंड ये एक हिस्टोरिक टाइप की एक्सपेडिशन होने वाली थी जिसके अंदर बेसिकली ये लोग अंटार्कटिका के थ्रू एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जो कि उन्हें डायरेक्ट एशिया से कनेक्ट कर सकता था। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लोग इतनी ज्यादा भयानक ठंड की वजह से वहीं पर अंटार्कटिका की बर्फ में ही फंस गए थे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते एंड 130 से भी ज्यादा लोग अपनी लाइफ के लिए वहां अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते जा रहे थे बस। एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो कि अंटार्कटिका जैसी जगह पर आपको इजीली फूड नहीं मिल सकता एंड अगर आपको फूड ढूंढना भी है तो बहुत ज्यादा ठंडे पानी के अंदर जाकर आपको लेकर आना पड़ेगा, विच फॉर अ ह्यूमन इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल इन दोज एनवायरनमेंट। इसी वजह से जो लोग भुखमरी की वजह से मर चुके थे एंड जो भुखमरी की वजह से मरने वाले थे, वो लोग अपने ही डेड को वर्कर्स का मांस खाकर सर्वाइव कर रहे थे कैसे ना कैसे। जो हमारी सेकेंड फोटो है वो लॉसन फैमिली की है एंड इस पूरी फैमिली के वैनिश हो जाने के पीछे एक मेंबर का हाथ था इन्हीं फैमिली के, जिसका नाम था चार्ली लॉसन, जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोर्ट्रेट के राइट हैंड साइड में सेकंड नंबर पर खड़ा है। चार्ली लॉसन ने अपने 6 बच्चों को एंड अपनी वाइफ को शूट कर दिया था बेरहमी से। उसने अपने फैमिली मेंबर्स को तो घर के अंदर ही शूट करा था, लेकिन अपनी जान उसने घर के पीछे वाले जंगल में जाकर दी थी फॉर सम रीजन। एंड उसी दिन क्लॉड लॉसन, जो कि चार्ली का भतीजा था, उसने ये सारी लाशों को देखा था एंड एक चीज उसने ये भी ऑब्जर्व करी थी कि सभी लाशों के सर के नीचे तकिए रखे गए हुए थे। लेकिन सबके नीचे तकिए नहीं थे, अपनी 2 बेटियों को वो अपने बांध में लेकर जाकर वहां रखे पत्थर के ऊपर रख देता है। आज तक भी ये पता नहीं चला है कि लॉसन ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे ऐसा करने का क्या मोटिव था एंड एग्जैक्टली ऐसा ही क्यों ब्रूटल तरीका उसने अपनाया इतना ज्यादा भयानक क्राइम करने के लिए। लोगों की ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये पोर्ट्रेट भी उसने ऐसा करने से पहले इसलिए ही बनवाया था ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो शुरू से ही एक ऐसा सनकी आदमी था, वो कैसे इस एक्शन से पहले एक लविंग फैमिली की तरह रहा करते थे। एनीवेज इस क्राइम के पीछे का रीजन तो आज भी अननोन है, मे बी गॉड मे नो दैट, लेकिन जितनी भी अथॉरिटीज को ये प्राइवेट बॉडीज बरामद हुई थी उन्होंने एक प्राइवेट सेमेट्री में उनको दफना दिया था बाद में। जो हमारे लिस्ट की थर्ड पिक्चर है वो एक एंटीक्यूएरियन बुक शॉप के अंदर मिली थी एंड ये पिक्चर नेशनल मीडिया म्यूजियम के एक क्यूरेटर को देखने के लिए मिली थी एंड ये फोटो एक स्पिरिचुअल फोटोग्राफर जिनका नाम था विलियम होप ने 1900 की स्टार्टिंग में ली थी, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा जाने लग गया था स्पिरिचुअलिज्म के अंदर। जिस टाइम के अंदर ऐसी फोटोग्राफी वायरल हो रही थी, फेमस हो रही थी, उसी टाइम पर विलियम होप जैसे फोटोग्राफर्स की डिमांड बढ़ रही थी एंड काफी ज्यादा ये लोग भी फेमस हो रहे थे। इन फोटोज को ये कहकर भी सेल करने जाने लगा था कि ये आपके डेड वंस की फोटोज है जो कि वॉर के अंदर अपनी जान खो बैठे थे एंड ऐसे इमोशनल टच की वजह से ये पिक्चर्स और ज्यादा सेल होने लग गई थी फैमिलीज के बीच में। बट 1922 के एक रिसर्चर हैरी प्रिंस ने ये दिखा कि सोसाइटी के अंदर ये वाला बिलीफ बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो गया है एंड उनको अपनी रिसर्च में ये भी पता चला कि ये सारी फोटोज फेक हैं एंड कुछ ट्रिक्स का यूज करके जस्ट बनाई गई हैं, इनके पीछे कुछ भी एज सच रियल इमोशन नहीं छुपा हुआ है। जितनी भी फोटोज के अंदर ये घोस्ट एंड स्पिरिट्स जैसी चीजें दिखाई गई हैं, ये विलियम होप ने डबल एक्सपोजर एंड कैमरा ट्रिक्स का यूज करके जस्ट क्रिएट करी है एंड ऑब्वियसली उस टाइम पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं थी कि हर कोई बैठ कर ये पता लगा पाए कि वॉट इज फेक एंड वॉट इज रियल। ओके, बहुत सारे क्रिएचर्स के बारे में हमने इस चैनल के ऊपर भी बात करी है, आपने येटी वगैरह या फिर ऐसे क्रिएचर्स के बारे में, मॉन्स्टर्स के बारे में भी बहुत स्टोरी सुनी होंगी, स्किन वॉकर्स, रे क्रिएचर्स, न जाने कितने टाइप के ऐसे डेडली क्रिएचर्स, अननोन क्रिएचर्स को स्पॉट करे जाने का भी लोग प्रूफ शो करते हैं एंड ऐसा ही एक क्रिएचर जिसकी फोटो काफी एक्सपर्ट्स ने डीबंक करने की कोशिश करी लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा एडिट नहीं पाया गया है, वो है फ्लोरिडा के स्कंक एप की, जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। लाइक आप सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप
टाइप की कॉन्स्पिरेसीज मिलेंगी, लेकिन एज सच कुछ रियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। या तो फिर ये यति टाइप के क्रिएचर्स की फैमिली से मे बी बिलोंग करता हो, जिनको अपनी आंखों से किसी दिन स्पॉट करना इज ऑलमोस्ट लाइक सीइंग गॉड बिकॉज दे आर सो रेयर। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्कंक एप्स या फिर ऐसे वाले क्रिएचर्स उन्होंने लास्ट 1942 के टाइम में देखे थे। एंड इस पिक्चर की एग्जिस्टेंस का जो प्रूफ है वो सबसे पहले सरोस्टा काउंटी के शेरिफ डिपार्टमेंट के अंदर देखने के लिए मिला था, जब किसी अननोन पर्सन ने वहां के शेरिफ को ये फोटो पार्सल कर दी थी। एंड ये बात है December 29, 2000 की। आप में और मेरे में से कितने सारे लोग तो उस टाइम पर पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन उस पार्सल को अच्छे से देखने के बाद, उसके अंदर जो नोट था उसको रीड करने के बाद, शेरिफ को ये पता चला कि ये एक विमेन ने भेजा है, जिसके अंदर उस नोट के अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये एक बड़ा सारा क्रिएचर है जो मेरे घर के आसपास में आकर बहुत अलग अलग टाइप की वूपिंग नॉइसेस निकालता होता था। कुछ टाइम तो उन्हें वो अपने घर के आसपास दिखा, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो गया एंड आज तक भी उन्हें वापस कभी देखने को नहीं मिला है। ये जो भी चीज़ थी वो फ्रेंडली थी या नहीं, मैं इसका दावा तो नहीं करती, लेकिन जब भी ये हमारे एरिया के पास में आती थी बहुत ज़्यादा अजीब सी फाउल स्मेल ये क्रिएट कर देता होता था। आपके क्या थॉट्स हैं इस पिक्चर पर? क्या ऐसे अननोन क्रिएचर्स जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं, बहुत लिमिटेड जगहों पर देखने को मिलते हैं, क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं? अपने थॉट्स जरूर बताना मेरे को भी। ओके, दिस फोटो लाइक ओ माय गॉड, ये फोटो बहुत क्रीपी है। लाइक दिस इज द पिक्चर ऑफ टू हेडेड डॉग बाय डॉक्टर व्लादिमीर डेमिकॉफ। वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए न जाने कितने टाइप के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे थे, इंसानों के ऊपर भी, जानवरों के ऊपर भी, किसी को भी नहीं बख्शा था उन्होंने। एंड इनमें से ये एक रियल एक्सपेरिमेंट था डॉक्टर व्लादिमीर डेमिकॉफ का, जिसको मैंने एक अपनी वीडियो में भी कवर करा था, लेकिन ये पिक्चर मैंने सोचा कि आपको वापस दिखाऊं ताकि ये टॉपिक रिवाइव हो पाए कि कितने ज़्यादा क्रीपी काम कर सकते हैं कभी हम ह्यूमंस। 1954 के अंदर डॉक्टर व्लादिमीर का ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया था एंड वो सक्सेसफुल भी हो गए थे। पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि एक जर्मन शेफर्ड डॉग के ऊपर उन्होंने एक स्मॉल ब्रीड के डॉग के हेड को फिट कर दिया था। एंड द क्रेजी पार्ट वो उसकी आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ये दोनों डॉग्स एकदम फिट थे, वो सुन सकते थे, वो खा सकते थे, वो पी सकते थे। वैसे जितनी भी चीज़ मैंने आपको अभी बताई है इस पिक्चर के बारे में, जिस वे में बताई है, वो सुनकर आपको लग रहा होगा कि व्लादिमीर डेमिकॉफ कितना बुरा इंसान है या फिर कैसे मतलब ये ऐसा कर सकता है दो डॉग्स के साथ में। लेकिन द थिंग इज कि व्लादिमीर एक बहुत ज़्यादा पायनियर सर्जन थे एंड अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे जाते तो इंसानों के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स वगैरह की साइंस बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती। एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है वैसे टाइप की साइंस को आगे लेकर जाने में। एंड व्लादिमीर डेमिकॉव ऐसे फर्स्ट सर्जन थे जो कि सक्सेसफुल हुए थे कोरोनरी आर्टरी बाईपास के अंदर भी। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर फोटो की बात करें तो ऐसा है कि 38 डेज तक तो ये दोनों अलाइव थे, हेल्दी थे, लेकिन उसके बाद में इन दोनों की इवेंचुअली डेथ हो गई थी जो कि इनएविटेबल ही थी। एंड उसके बाद में इस एक्सपेरिमेंटल डॉग को स्टफ करके एक म्यूजियम के अंदर रख दिया गया था। एंड 1988 के समय से ये म्यूजियम ऑफ मेडिसिन के अंदर आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जर्मनी के बहुत सारे एक्सपेडिशंस के अंदर भी डॉक्टर व्लादिमीर के एक्सपेरिमेंट को शोकेस करा गया एंड काफी ज्यादा हेल्प हुई साइंस की इसकी वजह से। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़े बाउंड्रीज को क्रॉस करा, लेकिन आज क्योंकि उन्होंने उन बाउंड्रीज को क्रॉस करा था, हम अपने इंसानों के अंदर या इवन एनिमल्स के अंदर भी काफी ज्यादा ऐसी लाइफ सेविंग सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे लव्ड वंस हमारे साथ में रह सकते हैं। अब जिस पिक्चर के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो 14 ईयर ओल्ड बॉय कीथ सैप्सफोर्ड की है, जिसने एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज कर दी थी। February 22, 1970 को वो अपने सिडनी के एक बोर्डिंग स्कूल से भागकर एक एरोप्लेन के टायर के ऊपर जाकर चढ़ गया। अलग चीज को एक्सपीरियंस करनी थी उसको, इसलिए वो एग्जैक्टली टायर के ऊपर नहीं चढ़ा था, वो व्हील वेल के ऊपर चढ़ गया था। लेकिन उस बेचारे को शायद ये नहीं पता था कि जब वो एरोप्लेन टेक ऑफ करा एंड ऑलमोस्ट 200 फीट की ऊंचाई पर वो पहुंच गया था तो एरोप्लेन के व्हील कंपार्टमेंट्स ओपन होते हैं ताकि वो अंदर की तरफ जा सके। एंड ऑब्वियसली उसकी ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी विच कॉस्टेड हिम हिज लाइफ, क्योंकि वो वहां से सीधा नीचे गिर गया एंड नीचे गिरने के बाद द बॉडी वॉज क्रिपल्ड, मतलब आप देख भी नहीं पाओगे। एंड उसी टाइम पे जॉन गिलपिन नाम का एक पर्सन वहाँ के ही एयरपोर्ट के एरोप्लेन्स की उसी दिन फॉर सम रीजन पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे एंड इतना ज़्यादा बड़ा कॉइंसिडेंस हुआ कि वो एकदम राइट टाइम राइट एंगल पर अवेलेबल थे जब उन्होंने इस नज़ारे को कैप्चर कर लिया था। एंड आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह के अंदर भी देखा होगा कि कैसे कुछ लोग एरोप्लेन के व्हील बेस के आसपास में छुप कर एरोप्लेन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम वो उसकी वो ऐसा करना नहीं चाहता था, उसके साथ में हो गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कीथ सैफर्ड की शायद पहले ही डेथ हो गई
गई हो, क्योंकि इतनी ज्यादा लाउड नॉइसेस होती है ना ऊपर इंजन की साइड में, जिसको सुनने के बाद आपके ईयर ड्रम्स बर्स्ट हो सकते हैं एंड आप हो सकता है वहीं पर ही मर जाओ। लेकिन वट एवर द केस, द फेटल ट्रॉमा वॉज वेटिंग फॉर कीथ एनीवेज। ओह माय गॉड, अब जो फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मरिया एलिना मिलाग्रो की है, जिसकी डेथ के बाद उसके हस्बैंड ने उनकी बॉडी को स्टफ करके रख दिया था एंड ही वॉज अ साइकोपैथ। मरिया के हस्बैंड का नाम था कार्ल टेंजर, जो कि एक एक्सर फर्म में काम करते होते थे एंड वो जर्मनी से अमेरिका में सेटल हुए थे। कार्ल टेंजर की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, उनकी दो बेटियां भी थी, लेकिन ऑब्वियसली उनके साइकोपैथ रीजंस की वजह से उनकी पुरानी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया था। 1930 के टाइम में जब कार्ल टेंजर ऑलमोस्ट अपने 50s के टाइम के अंदर था, तो वो देखते हैं कि एक लेडी यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करवाने के लिए आई हुई है एंड उस लेडी को देखने के बाद वो धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ने लगा एंड वो उसके साथ में ऐसी क्रीपी क्रीपी बातें करता था कि जर्मनी के अंदर मेरे सिस्टर्स का एक सपना मुझे आया था, जिसके अंदर उन्होंने मेरे को बताया था कि मेरे को एक 21 साल की फुल ब्लैक बालों वाली एक लेडी आएगी मेरी लाइफ में, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करूंगा एंड वो भी मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करेगी। लेकिन अब आपको जो मैं चीज बताऊंगा उससे आपको ये पता चलेगा कि ये बंदा सच में कितना ज्यादा पागल था, कितना ज्यादा साइकोपैथ था। उसका ब्रूटली मर्डर करने के बाद उसके आसपास में जो घर के सेमेट्री थी वहीं पर उसने एलिना की बॉडी को दफना दिया था एंड वो करीब 1.5 साल तक उसको मारने के बाद उसकी ग्रेवयार्ड के ऊपर जाया करता था वहां पर अपना ग्रीफ दिखाने के लिए। एंड या तो वो सच में एकदम ही साइकोपैथ हो गया था या फिर मे बी वो ऐसी चीजें बोलने लग गया था लोगों की कि उसने अपनी वाइफ एलिना की स्पिरिट को अपने ग्रेवयार्ड से निकलते हुए देखा है एंड निकलने के बाद वो उसके लिए गाना भी गाती होती थी। एंड जब उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगे तो उसको वापस से प्यार हो गया अपनी वाइफ से। उसने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को ग्रेवयार्ड से निकाला एंड एक डॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लाइक उसने स्पेशली पेरिस से अलग अलग टाइप के प्लास्टर्स को मंगाया था, अलग अलग टाइप के ऐसे स्किन प्रोडक्ट्स को मंगाया था जो कि वो उसके ऊपर लगा सकता था, उसकी डेड बॉडी के ऊपर लगा सकता था उसको एक थोड़ी बहुत ह्यूमन फॉर्म वापस देने के लिए। एंड वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी के ऊपर जितनी भी ज्वेलरी वगैरह उसके पास में थी वो भी पहना कर रखता होता था। एंड द क्रेजीएस्ट थिंग इज कि उसकी वाइफ एलिना की डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी उसको क्लीन करके उसने पेपर ट्यूब्स डाल दिए थे। एंड या फॉर मी पर्सनली इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा क्रीपी स्टोरी यही होने वाली है। द नंबर 7 स्टोरी जस्ट गेव मी गूज़बम्स। लाइक कितना ज़्यादा कोई पागल हो सकता है यार, व्हाट द। अब जो फोटो आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो रशिया के एक मार्केट प्लेस से है, जिसके अंदर कुछ ह्यूमन वेंडर्स रिमेनिंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को सेल कर रहे थे, बिकॉज आफ्टर द 1921 रशियन फैमाइन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिजास्टर हो गया था पूरे कंट्री के अंदर एंड बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग अपनी लाइफ गंवा चुके थे एंड जो लोग बचे थे उनके पास सर्वाइवल के नाम पर कुछ भी नहीं बच रहा था। इतना ज़्यादा भयंकर फैमाइन था, वन ऑफ द हिस्ट्री मोस्ट ब्रूटल डिजास्टर, जिसके अंदर करीब 5 मिलियन से भी ज़्यादा रिपोर्टेड डेथ्स काउंट करी गई थी। फैमाइन की वजह से सारा एग्रीकल्चर सेक्टर, सब क्रॉप्स वगैरह सब डैमेज हो गई थी, लेकिन जो लोग बच गए थे उनको किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव करना ही था। एक दूसरे को लोग मार कर खाने लग गए थे एंड जो मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज थी उनको कुछ वेंडर्स बेचने लग गए थे ताकि जो बचे हुए लोग हैं वो सर्वाइव कर पाए। एंड ऐसी हालत के अंदर भी उस टाइम पर रशिया के अंदर सिविल वॉर शुरू होने लग गई थी, जिसकी वजह से भुखमरी का नंबर 5 से 10 मिलियन के आसपास में पहुंच गया था। एंड मैं सिर्फ भुखमरी के नंबर की बात कर रहा हूँ, डेथ्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जिसकी वजह से रशिया में कुल मिला के माना जाता है कि 5 से 10 मिलियन लोग भुखमरी की वजह से मारे जा चुके थे। लाइक किसी कंट्री के अंदर लोग कैनिबलिज्म करने के ऊपर मजबूर हो जाएं, सोचकर देखो कैसी हालत में वो जी रहे होंगे। सो जो भी हमारे पास है, जितना भी हमें मिलता है, हमें डेफिनेटली आई बिलीव उसके लिए हर रोज प्रे करना चाहिए एंड खुश रहना चाहिए। एक ह्यूमन था एड गीन नाम का, जो कि लाइक अगेन एक साइकोपैथ था। एंड आपकी स्क्रीन पर ये मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, जो कि आपको लग रहा होगा हाँ ग्लव है, थोड़ा अलग सा डिजाइन है इसका, लेकिन नहीं, दैट्स नॉट इट। जो ये ग्लव है ये ह्यूमन स्किन को पील करके उसको यू नो स्टिच करके ग्लू करके बनाया गया है एंड वो इन्हीं टाइप के ग्लव्स को पहनता होता था अपना काम करने के लिए। ज्यादा बैक स्टोरी में जाए बिना आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि हाँ एड गीन
बचपन से ही एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चाइल्ड रहा है। मे बी उसका पास्ट भी अच्छा नहीं रहा होगा, मे बी उसकी पेरेंटिंग भी अच्छी नहीं रही होगी, जिसकी वजह से एक बच्चे की शेप ऐसे होने लग जाती है। उसके लिए दुनिया को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत थी, स्पेशली विमेंस को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत थी, एंड उसके सारे जितने भी क्राइम्स होते थे वो विमेन से ही रिलेटेड होते थे। ये बंदा इतना ज़्यादा पागल था कि इसने अपनी मदर को भी नहीं छोड़ा था, उनकी स्किन से भी इसने एक सूटकेस बना लिया था। 1957 में जब पुलिस ने इसको अरेस्ट करा, तब पता चला किसके वेयर हाउस के अंदर ना जाने ऐसे कितने टाइप की चीज़ें पड़ी हैं जो कि ह्यूमन स्किन से रिलेटेड, एंड एड गीन उनको पर्सनली खुद पील करके साफ करके बनाता होता था, एंड ऑब्वियसली इस प्रोसेस के दौरान जो भी विक्टिम को वो चुनता था वो बच नहीं पाता था। द क्लीवलैंड टोर्सो मर्डर। इस पिक्चर के अंदर जो आप आदमी देख रहे हो वो एक डिटेक्टिव है जो कि कुछ डेड बॉडीज को देख रहा है, जिनको सितंबर 1935 से लेकर 1938 के टाइम में एक बहुत ज्यादा जाने माने सीरियल किलर ने मारा था। माना जाता है कि अराउंड 12 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जाने इस सीरियल किलर ने ली थी, एंड इसके मोस्टली टारगेट जो होते थे वो बहुत ज्यादा लोनली लोग होते थे, ब्लैक पीपल होते थे, या फिर वो लोग होते थे जो कि सेक्स वर्कर्स होते थे। एक जाने माने काउंटी कॉर्नल सैमुअल गर्बर एंड क्लीवलैंड के न जाने कितने सारे पुलिस डिटेक्टिव ने इस केस को कितने सालों तक चलाने की कोशिश करी, उस सीरियल किलर के बारे में जानने की कोशिश करी जो कि ये मर्डर्स कर रहा था, ऐसे मर्डर्स जिसके अंदर अराउंड 5 लोग फीमेल थी एंड 7 लोग मेल्स थे। लेकिन इस पिक्चर की सबसे ज्यादा क्रीपी बात ये नहीं है कि ये डेड बॉडीज हैं या फिर उसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, सबसे ज्यादा क्रीपी बात जो मुझे लगती है कि इनके पीछे हाथ किसका है वो पता ही नहीं है आज तक। 6 साल तक ये केस चलता रहा, लेकिन जब पुलिस को फाइनली कुछ मिला ही नहीं इस सीरियल किलर से रिलेटेड, तो उनको ये केस शट डाउन ही करना पड़ा। के लाइट आ गई है वापस, बैकग्राउंड चेंज हो गया होगा थोड़ा। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ा शक जो ये हुआ कि जो ओहायो के अंदर ये क्राइम्स हो रहे थे उसके बारे में किसी ने रिपोर्ट ही नहीं करा। बारह लोग मर गए एंड किसी को पता ही ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता आसपास के नेबरहुड में, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि 12 तो सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स हैं, कहीं ज़्यादा की संख्या हो सकती है इस अननोन सीरियल किलर के क्राइम्स की। लेकिन व्हाटएवर द केस, सोसाइटी में ऐसे लोग सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, आज भी घूम रहे हैं हमारे बीच में एंड हमें पता भी नहीं होगा। सो ऑलवेज बी केयरफुल, एंड जितनी भी पिक्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया है उन सब के पीछे आपके क्या थॉट्स हैं, एंड आपकी कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेट एंड डिस्टर्बिंग पिक्चर है इस लिस्ट की, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर बताना। 500 कमेंट्स का टारगेट रख रहे हैं दोस्तों, एंड 8000 लाइक्स का आई नो कर दोगे, प्लीज़ कर देना, मेरे को पता आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप पर्सनली मेरे से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड सबके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, पिंड कॉमेंट्स में, प्लीज़ चेकआउट करना आप। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ को एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस माउंट साइड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।